आइए, आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोगों को जब हम बोलते हैं ना कि भविष्य करो तैयार, तो भविष्य तो तैयार करते हैं लोग, मगर वो सब आता है अतीत से। तो मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे कि भाई अतीत को नष्ट करो, अतीत को ख़त्म करो, अतीत को मिटा डालो और भविष्य का निर्माण जो है वो भविष्य से करो, अतीत से नहीं। तो वो हम बात करेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है फिर से। लोगों को जब हम बोलते कि आप गोल सेट करो, आपका करियर क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी हो जाएंगी, आपका इनकम कितना रहेगा, आपका बिजनेस आप कितना करोगे, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, आपकी गाड़ी बड़ी आप खरीदोगे, आपका प्रमोशन होगा क्या, धंधा कैसे बढ़ेगा, या आपकी रिलेशनशिप में आपके पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में रिलेशन कैसे रहेंगे, या आपका एजुकेशन कैसा होगा, इसके बारे में आपका भविष्य का प्लानिंग करो, भविष्य की स्ट्रेटेजी करो, निर्माण करो। जब हम कहीं भी हम बोलते हैं कि गोल सेट करो, भविष्य का निर्माण करो, भविष्य के बारे में कुछ प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजी करो, तो लोग करते हैं, मगर वो आता है सब पास्ट से। पास्ट हमको बहुत डैमेज कर लेता है। पास्ट बार 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 आते रहता है। भविष्य में जो है, भविष्य निर्माण करने के लिए पास्ट अतीत जो है बार 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 आएगा, और वहाँ से हम देखेंगे कि हमको भविष्य में क्या करना है। एक्चुअली पास्ट से मतलब अतीत से हम इतने प्रभावित हो चुके हैं, इतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर है कि हम वहीं से ही सब तैयार करते रहते हैं। एक्चुअली बताइए कि अतीत का क्या संबंध है आज? कुछ भी नहीं है। मगर हम क्या करते हैं कि अतीत को हम सामने ला के रखते हैं, और सामने ला के रखने के बाद में उसको देख देख के हमारा जीवन जीते हैं, उसको देखते ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अभी मैंने समझा ऐसा बोला कि हाँ, मुझे है ना 20,000 रुपये महीना मिल रहा है। अभी मैंने बोला भाई क्रिएट करो भविष्य, तो बोलता हाँ अभी मुझे आने वाले 3 साल में मेरी तनख्वाह 30,000 होना चाहिए। मतलब ये कहाँ से आए? बोले अभी 20 मिल रही है ना, मतलब वो पास से लाए, अभी 20 मिल रही है ना, तो अभी 30 हो जाएंगी तो आने वाले 2-3 साल में, ऐसा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। बोला उसका क्या संबंध है 20,000 का? आप ये क्यों नहीं बोलते कि नहीं मेरे 1,00,000 रुपये हो जाएंगे, 2,00,000 रुपये हो जाएंगे? नहीं, बोले कैसा संभव है, अभी 20 है तो। मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपका भविष्य का निर्माण अतीत से मत करो, भूतकाल से मत करो, वो क्या संभव है आगे वहाँ से करो, भविष्य में क्या कर सकते हैं वहाँ से करो। हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो बिहेवियर है, वो भी वहाँ से आता है। मुझे याद है कि भूतकाल में मैं स्कूल में था, तब मेरी नोटबुक जो है ना, मेरे दोस्त जो है वो लेके गया था, एनुअल एग्ज़ाम थी उसमें वो नोटबुक लेके गया, और बोले कि मैं सुबह सुबह मैं तुमको ला के दूंगा, मैं रात को मतलब जल्दी सोने वालों में क्या था वो, और मैं सवेरे जल्दी उठता था, रात को ओवर देर से पढ़ता था, तो उसने मेरी नोटबुक ले गया एनुअल एग्ज़ाम में। सवेरे उसने मेरे दरवाजे के सामने ला के रखी नहीं, मैं उठने के बाद देखा 4 बजे तो नोटबुक नहीं थी। उसके घर पे जाके फिर मुझे नोटबुक लाना पड़ा। उसके पिताजी ने चिल्लाया कि 4 बजे कैसे क्या आ रहे, ये समय है क्या नोटबुक मंगने का? मेरी नोटबुक और मुझे ही गाली खानी पड़ेंगी उसके पिताजी की पड़ी। तब से मेरा ऐसा हो गया कि नहीं भी लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करो। ये कब हुआ? ये हुआ मैं 12-13 साल का था तब, अतीत। अभी उसका असर मेरे ऊपर आज भी पड़ रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि भाई अभी मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को 12 साल की उम्र में किसने तभी धोखा दिया था, उसने मेरे को कॉपी दी नहीं 4 बजे ला के। तो वो सब मैंने अतीत जो है वो फ्यूचर में ला के रखा, और फ्यूचर में देख के मैं चल रहा हूँ कि नहीं, मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट करूँगा नहीं, लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, लोगों के ऊपर मैं भरोसा करूँगा नहीं। ये मैंने कहाँ से लाया? फ्यूचर कहाँ से क्रिएट किया? अतीत से। हम सब पूरा अतीत से प्रभावित होकर हमारा फ्यूचर जो है, हमारा भविष्य जो है वो क्रिएट करते रहते हैं, वो तैयार करते रहते हैं, और उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेरा यहाँ बोलना है कि भाई आप आपका भविष्य निर्माण करो, आगे आने वाले 3 साल में, आगे आने वाले 5 साल में आप क्या करोगे, क्या गोल्स हैं आपके, क्या रिजल्ट्स आप पाओगे, क्या आउटकम आप तैयार करोगे, और वो तैयार करने के समय कुछ भी मत लाओ अतीत से। जो हो गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पूरा करो। उसका आज आपके ऊपर कुछ भी असर होगा नहीं, डेफिनेटली। आप क्या कर सकते हो वो महत्व का है, और उसके लिए आप आज कहाँ हो वो देखो, और आज कहाँ जाना है, कहाँ आज यहाँ जो है यहाँ से कहाँ जाना है आपको, कहाँ तक जा सकते हो वो देखो, और आप कहीं भी जा सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपने अपने आप को बंधक बनाया हुआ है, बंधन में डाला हुआ है। तो आपका भविष्य आप भविष्य से निर्माण करो, ना कि अपने अतीत से या भूतकाल से। या आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।